आज के इस वीडियो में हम एक्सटीरियर कॉर्निस सीखेंगे किस तरीके से आप 3ds Max में क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वॉल क्रिएट करेंगे जिस तरीके से जो पैराफेट वॉल पर जो मोल्डिंग होता है वो देखने वाले। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और एक सिंपली एल टाइप का एक वॉल क्रिएट कर रहे हैं। वॉल क्रिएट करने के बाद इसमें हम क्या करने वाले, जो कॉर्निस होता है वो हम क्रिएट करने वाले, किस तरीके से उसको आप यूज़ कर सकते हैं। हम क्या करने वाले, ब्यूवेल प्रोफाइल यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एक वॉल क्रिएट कर लेते हैं हम। एक वॉल क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, एडिट स्प्लाइन से आउटलाइन देना होगा और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सट्रूड ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। एक्सट्रूड मॉडिफायर अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर एक कलर सेलेक्ट कर लेते और एक्सट्रूड मॉडिफायर यहाँ से अप्लाई कर लेते। अब यहाँ पर एक वैल्यू आपको देना होगा, जैसे कि आप 3 feet या फिर 3.6 feet भी दे सकते हैं। एक सिंपली बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हमने वॉल क्रिएट कर लिया एल टाइप का। अब इसमें हम क्या करने वाले, जो मोल्डिंग है, जो एक्सटीरियर कॉर्निस होता है वो हम लगाने वाले हैं इस पर। तो इसको हम क्या करेंगे, एक लाइन प्रोफाइल आपको क्रिएट करना होगा और उसके बाद जो लाइन पाथ होता है वो भी क्रिएट करना होगा। तो लाइन पाथ हमने क्रिएट कर दिया है बाय यूजिंग 3D Snap। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने क्रिएट कर दिया है। अब इसमें हम क्या करने वाले, यहाँ पर ये जो रहेगा हमारा पाथ रहेगा और जो है हमारे लिए एक प्रोफाइल हमें क्रिएट करना होगा। वो प्रोफाइल इस तरीके से कुछ तो स्टेप वाइज में आपको क्रिएट करना होगा। ये देख सकते हैं आप, इसका जो प्रोफाइल का जो शेप रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। आपको इस तरीके से क्रिएट करना होगा, जो जिस तरीके से उल्टा स्टेयर्स वगैरह दिखता है उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं। और चाहे तो आप बाद में उसका शेप्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से चेंज करना है वो बताते हैं हम आपको। यहाँ पर आप वर्टेक्स सेलेक्ट करते हो या फिर सेगमेंट या फिर दो भी, जो मल्टीपल वर्टेक्स भी सेलेक्ट करते हुए भी आप क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा यहाँ पर ड्रैग करते हुए इसका साइज वगैरह कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा ब्यूएल प्रोफाइल का जो यहाँ पर शेप्स वगैरह हमने क्रिएट कर दिया, जो जिसको हम प्रोफाइल बोलते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, जो पाथ है उसमें अप्लाई करने वाले। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना होगा। अगर आप चेंजेस नहीं करेंगे, डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो इसका जो साइज रहेगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में इसका जो प्रोफाइल रहता है उसको कम से कम ही आपको क्रिएट करना है। अब ये देख सकते हैं, ये जो है पाथ है इसको सेलेक्ट करना होगा आपको और यहाँ से ब्यूएल प्रोफाइल मॉडिफायर लेना होगा। तो ये सेलेक्ट कर लेते हैं हम और यहाँ से पिक प्रोफाइल करना होगा। तो पाथ को सेलेक्ट करने के बाद ब्यूएल प्रोफाइल हमने लिया है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पिक प्रोफाइल। ये देखिए बेहतरीन तरीके से यहाँ पर क्रिएट हो चुका है हमारा जो एक्सटीरियर कॉर्निस, बट इसको हमें थोड़ा बहुत एडिट करना होगा। किस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। इसको आपको सेलेक्ट करना होगा, सिंपली आपको क्या करना होगा, जो वर्टेक्स है उसको कम ज़्यादा करना होगा, तो ऑटोमेटिकली जो प्रोफाइल है उसमें भी चेंजेस होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंजेस हो रहा है, जो एक्चुअल हमने वॉल के ऊपर जो प्रोफाइल लगाया था, कॉर्निस लगाया था, उसमें चेंजेस हो रहा है। तो इसको क्या कर सकते हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए अगर आप इसको इस मोल्डिंग में आपको थोड़ा सा फिलेट चाहिए या फिर थोड़ा सा यहाँ पर शैम्फर वगैरह लगाना हो तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि स्मूथनेस वगैरह वो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वो किस तरीके से अप्लाई करना है वो देखते हैं हम। तो इसको सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, इसमें जितना आपको साइज़ चाहिए उसके हिसाब से रख सकते हैं आप। अगर ज़्यादा भी रखेंगे तो बेहतरीन तरीके से नहीं दिखेगा। ये जो बंगलोज हो गया या फिर आप विलाज वगैरह कुछ क्रिएट करते हैं एक्सटीरियर बंगलोज G+1-2 या फिर बिल्डिंग वगैरह के लिए, तो टेरेस वगैरह पे या फिर डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए भी बहुत बेहतरीन तरीके से लगता है। फिनिश पर्पज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर आप इंटीरियर वगैरह उसके लिए भी, ऑर्नामेंटल डिज़ाइन वगैरह के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको फिलेट अप्लाई कर सकते हैं। फिलेट मॉडिफायर अप्लाई करने के बाद और इसका एजेस वगैरह स्मूथ हो जाएगा और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखेगा। बट इसका जो एंड है यहाँ पर ओपन है, इसको आप क्या कर सकते हैं, जो कैप होल्स वगैरह मॉडिफायर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कैपिंग स्टार्ट टू एंड यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया, बट आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, जो मॉडिफायर होता है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो ऐसा भी रख सकते हैं। बट अगर आपको फिनिश में बनाना हो तो यहाँ पर कैप होल्स मॉडिफायर होता है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों बाजू से, दोनों एंड से क्या हुआ है, यहाँ पर क्लोज हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा एक्सटीरियर कॉर्निस क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको कॉलम वगैरह क्रिएट करना हो, जो सर्कुलर कॉलम होता है उसमें भी इस तरीके का जो प्रोफाइल वगैरह होता है, जो कॉर्निस होता है उसमें मोल्डिंग वगैरह, तो कैसे किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सिंपली एक सर्कल हमने क्रिएट किया है, सर्कल लेने के बाद इसको हम एक्सट्रूड करेंगे ताकि एक सर्कुलर कॉलम में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाए। तो सिंपली जो एक्सट्रूड ऑप्शन होता है मॉडिफायर वो अप्लाई कर रहे हैं,
यहाँ से कुछ अमाउंट दे दीजिए, जितना भी आपको अमाउंट चाहिए। अब एक आपको इसको जो पाथ है वो लेना होगा। आप चाहे तो पहले ही सर्कल को कॉपी कर सकते थे, कोई बात नहीं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको अभी भी ड्रैग वगैरह कर सकते हैं, उसको हम जो मॉडिफायर है एक्स्ट्रा मॉडिफायर वो डिलीट कर देंगे, तो परफेक्टली वो सेट हो जाएगा। यहाँ पर डिलीट कर दे, तो ये प्रोफाइल रहेगा, ये सॉरी हमारा ये पाथ रहेगा। अब इसके लिए जो प्रोफाइल है वो जो पहले हमने यूज़ किया था वही हम अप्लाई करने वाले। तो यहाँ से प्रोफाइल, इसको आपको पाथ को ब्यूएल प्रोफाइल लगाना है, एक बात ध्यान रखना है, और इसके इसको यहाँ पर पिक करना है। तो ये अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका जो मोल्डिंग है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, जो एजेस वगैरह है स्मूथ हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो कॉलम वगैरह का भी क्या कर सकते हैं, जो मोल्डिंग या फिर कॉर्नेज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली इसको हम अगर मिरर करेंगे तो जो डाउन साइड का भी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ये देख सकते हैं। इसको ड्रैग कर दीजिए यहाँ से, और यहाँ पर चाहे तो डायरेक्टली मिरर भी ले सकते थे, मिरर लेकर यहाँ पर कॉपी रखते हुए, बट आप चाहे तो ड्रैग करते हुए उसके बाद भी चेंजेस कर सकते हैं। तो इसको हमें क्या करना होगा, जो ये है जेड डायरेक्शन में, तो जेड डायरेक्शन में आपको रखना होगा, तब जाकर वो ठीक तरीके से मिरर हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, मिरर हो चुका है, इसको ड्रैग कर दीजिए। अब ये हमारा जो सर्कुलर कॉलम का जो कॉर्निस है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, जो मोल्डिंग है उसको कॉपी पेस्ट, आपको जो मल्टीपल्स कॉपी करना हो तो आप यहाँ पर इंस्टेंस वगैरह भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सटीरियर कॉर्निस क्रिएट कर सकते हैं हमारे जो पैराफेट वॉल और कॉलम वगैरह का, सर्कुलर कॉलम वगैरह का। सिमिलर वे में आप रेक्टेंगुलर और स्क्वायर के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।